NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपिनेट ट्रिब्यूनल ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। NCLAT ने कहा है कि दिवाला प्रक्रिया यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत रखी गई टेलीकॉम कंपनियां आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम पर अधिकार का तब तक दावा नहीं कर सकती जब तक कि उन्होंने सरकार को उसके इस्तेमाल के लिए फीस का पूरा भुगतान नहीं कर दिया हो। NCLAT के इस बड़े फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल की मुश्किलें बढ़ गई है। भारतीय एयरटेल को अब वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिए उनके AGR बकाया राशि को चुकाना होगा। जब तक एयरटेल वीडियोकॉन के इस AGR बकाया का भुगतान नहीं करती तब तक वे वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में भारतीय एयरटेल ने वीडियोकॉन से स्पेक्ट्रम खरीदा था। एयरटेल ने 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड 4428 करोड़ रुपए में वीडियोकॉन से खरीदा था। अब चूंकि वीडियोकॉन पर 1376 करोड़ रुपए का AGR बकाया है, इसी कारणवश एयरटेल को वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम का अपना नाम करने के लिए 1376 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को चुकाने होंगे। पिछले कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करी थी जिसमें कहा गया था कि एयरटेल को वीडियोकॉन के AGR बकाए का भुगतान करना होगा, तभी भारतीय एयरटेल वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकते हैं। बहरहाल अब भारतीय एयरटेल को वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए 1376 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।